और दोस्तों गाड़ी आई है मुंबई से और देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। कम से कम 10-15 दिन से उनके मालिक का मुझे फोन आ रहा था और मुंबई महाराष्ट्र पता नहीं, बाकी पूछते हैं ड्राइवर साहब से जाके क्या दिक्कत है। 6 चक्की गाड़ी है दोस्तों और लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पुरानी कह रहे थे। कंपनी में भी दिखाए मगर कंपनी में भी कोई उनको इलाज नहीं हुआ गाड़ी का। और जाकर देखते हैं, चलो शॉप पर चलता हूँ आपको भी लेकर और दिखाता हूँ कि टायरों की क्या प्रॉब्लम है, टायरों की है या किसी और चीज़ की, देखते हैं। बाकी सब उनसे ही बात करते हैं, आइए चलते हैं शॉप पर। गाड़ी आई है मुंबई महाराष्ट्र और देखिए बिल्कुल मुंबई कौन सी जगह से, कोल्हापुर। कोल्हापुर ठीक है, ठीक है। एसी चल रहा है क्या ऊपर? अच्छा अच्छा अच्छा, लोड है गाड़ी। तो दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आप बताओ जरा। दिक्कत ये ना, ये गाड़ी ऐसे ऐसे पटकता है। कैसे? ऊपर नीचे? ये जो आपके टायर है ना, ये खड्डे हैं जो, हाँ। ये खड्डों की वजह से है सबसे मेन प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, लेकिन आप खड्डे क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे करो, गाड़ी पहले अंदर लगाओ वर्कशॉप में, फिर करते हैं बाद, आपको बताता हूँ ठीक है ना। और जैक भी लगाएंगे। और दोस्तों ड्राइवर ये मुंबई से स्पेशल मुजफ्फरनगर लेकर आए हैं। कंपनी में इनको कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने बहुत बार दिखाया और कंपनी में बताया कि ड्रमों में फ़र्क है, रिमों में फ़र्क है, जो भी है वो आगे पूरी वीडियो देखेंगे, सब कुछ बताऊंगा आपको, ड्रमों में रिम फ़र्क था या रिमों में फ़र्क था, जो भी आगे बताऊंगा। श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और गाड़ी लगवाते हैं वर्कशॉप में। चलो 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 चलो, पीछे देख लियो पीछे, चलो 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 चलो। एक बारी पीछे पीछे ले गए, थोड़ा सा इधर कर दो गाड़ी। हाँ जी, क्या दिक्कत क्या है इसमें? उन्होंने बोला कि इसका डिस्क जो है हल्का टेढ़ा है। डिस्क क्या? ड्रम? हाँ, अच्छा हाँ। कंपनी वालों ने बताया? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने फिर करवाया क्यों नहीं है? वो बोले यहाँ नहीं होगा, तो उसके बाद वो ये बोले इसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ड्रम को सब बताया सर, बोले आपके पास आपसे बात की, बोले गाड़ी लेके जाओ। अच्छा, अपना गाड़ी के काम होता है। क्या क्या हो? आप ऐसे करो, बीच में जैक लगाओ, बीच में सेंटर में दोनों टायर घूमते करो। ये कहते भी गड्डी चलती है ना, ऐ करती है, खड्डी है, तो कंपनी दिखाया ना ले लैण दी, उत्थे कहते ड्रम च फर्क है। मैं कहा कोई बात नहीं, आप जैक लगाओ बीच में, ठीक है ना, लगाओ जैक। ड्रम बदला तुम? हाँ, ड्रम क्यों नहीं बदलवाया फिर? बदलवा लेना था ना, तो अच्छा अच्छा, जो मेरे से बात हुई थी, ठीक है, चलो कोई नहीं, आप बीच में जैक लगाओ, देखते हैं फिर। तो दोस्तों ये ले लैंड गाड़ी है, जो गाड़ी आई है, मतलब इसमें गाड़ी यूं यूं चलने की है, अब खड्डे हैं इसमें। ये कह रहे पहले ड्राइवर जो था उसकी मतलब जब वो चलाता था, जब से हैं खड्डे, हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, गाड़ी बबलिंग करती है, आगे से कूदती है। और बाकी ये कंपनी में भी लेकर गए थे और कंपनी में इनको ड्रम में थोड़ी दिक्कत बताई है। चलो जैसा भी आके दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। घुमाओ, हाँ, ये तो रिम में भी बहुत फर्क है यार। रिम में बहुत फर्क है। ये जब तक गड्ढे रहेंगे ना, ये गाड़ी के साथ के टायर हैं। हाँ, इधर घुमाना। बस ये देखो, ये ना, ये अगर ये कर दिया, ये यहाँ रुकना चाहिए, टायर रुकना चाहिए, नहीं अरे वापसी जा रहा, बताओ उसी जगह आगे रुकेगा जो, ठीक है नहीं, पहले भी एक बस में था ऐसा। हाँ, ये दिक्कत आती है, की बस से आई थी उसको ड्रम में नुकसान। ये देखो, ये जहाँ इसको बैलेंस जाए मिलेगा वहीं मिल रुकेगा। लो परली साइड भी देख लेते हैं। रुको रुको रुको, अरे हल्का सा ही घुमाया था, तो इसमें नहीं है। जो कंपनी वाले ने बताया था वो किधर का बताया था? रिम वो साइड का बताया था, परली साइड का बताया था। इधर का टायर कुछ ठीक लग रहा है मुझे,
नहीं इधर भी बहुत गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं इधर तो, इधर तो बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं, गड्ढे हैं इधर। और जो इसका एक्सल का है, इनके मालिक से मेरी बात हुई है और मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी दिक्कत है भाजी, जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दे दी है ना, तो मैं इसे अपने ढंग से करूँगा। जो इसके टायरों में खड्डे हैं, ये टायरों की वजह से गाड़ी ये कर रही है। और उधर की साइड स्पैंडल में चाल है, इधर कम है उधर थोड़ी ज़्यादा है। अब उनका कहना जब आई है तो काम कोई मत छोड़ना, आप कर दो, क्योंकि दोस्तों 2 साल हो चुके हैं, कमानियों में भी कोई काम नहीं हुआ, साथ की है सब कुछ, कचेजिस के साथ का ही है, तो जाहिर सी बात है 2 साल बाद वार्शले वगैरह बुश वगैरह सब खत्म मिलेगा। अलाइनमेंट भी करेंगे, फ्रंट एक्सल खोलेंगे, और जैसा भी आगे दिखाता हूँ, इसमें जो टायर हम लगाएंगे ना कंडक्टर साइड जिसमें गड्ढे हैं, उसे करेंगे स्टपनी में, और स्टपनी में पड़ा है बिल्कुल नया टायर, ये देखिए इसको करेंगे इधर कंडक्टर साइड फिटिंग। और परली साइड का टायर में खड्ढे नहीं है, लेकिन वो एक साइड अंदर की तरफ से ज़्यादा दबा हुआ है। चलो जैसा भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट अगले वालों में भी चेक कर। और दोस्तों इस टपनी में से नया टायर खुलवाया और इसमें 120 पाउंड है, इसमें 160 कर दे आगे लगाना, ठीक है ना। इसमें देखिए अगले टायरों में कितनी है, ये टायरों में हवा कितने टाइम बाद चेक कराते हो, कुछ ध्यान है? करवाते हैं महीने में, करवा ही लेते हैं। नहीं महीने में नहीं, पेचकस लगा ले, मुझे हवा भी ऐसी लग रही है इसमें। 140 हाँ, हवा भी कम। परली साइड देखिए पेज कैसे ले ले, हवा भी डाउन है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हवा कम हो जाएगी ना, जैसे वो 120 पाउंड है नए टायर में, उससे तुम मुंबई तक ले जाओ टायर, वो आपका ऐसा ही हो जाएगा आधा। ये चीज़ ध्यान में रखना माइंड में, गाड़ी कोई भी है, हवा अगर आपकी 140-30 पाउंड से नीचे चल गई ना, 100-90 पाउंड पे, तो टायर आपका ऐसा ही कर देगी गंजा, ये ध्यान रखना। अब उसमें 140 है, कम है हवा, 160 कम से कम चाहिए, 160-165, क्योंकि 60 रखोगे तो जब गर्म होंगे तो 70 तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, देख साइड से डाल, इसमें 155 है इसमें, ठीक है इनमें हवा तो ठीक है, लेकिन कभी पंचर वगैरह नहीं हुआ जब से तुम हो? नहीं हुआ। कब से हो आप इस गाड़ी पे? अभी तो मेरे पहले चक्कर, इसके पहले मैं 2-4 महीने पहले चला रहा था, दूसरा ड्राइवर। अच्छा मतलब पहले ड्राइवर दूसरा था, तो ये हो सकता है जिसमें गड्ढे हैं ना, ये हो सकता हो टायर थोड़ा थोड़ा पंचर भी हो दूसरे ड्राइवर के हाथ से, क्योंकि ये गड्ढों की प्रॉब्लम जब भी आती है हवा कम हो तो। चलो खैर कोई नहीं, ढीले कर बेटे ला के टायर, जल्दी ला खोल लें इसको, ले जा ले जा। और दोस्तों ये रिम वगैरह भी चेंज करवाने हैं, स्टपनी भी मैंने खुलवानी है, मुझे जोन सा सही लगेगा वो टायर इधर उधर करवाऊंगा मैं, और गड्ढे वाला टायर बिल्कुल रिमूव करेंगे इस गाड़ी में से। और देखो जब 5-7 टन के लिए गाड़ी चलती है तो कमानियों में भी कोई दम का कोई मतलब ही नहीं बैठता, वैसे तो बिल्कुल सीधी हैं कमानी। और ये एक्सल को हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर दोस्तों प्ले है। अब गाड़ी इतनी दूर से आई है, इनके जो मालिक से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जब इतने दूर से आपके पास, सारी जिम्मेदारी आपकी है सर, आपके पास इतने विश्वास के साथ भेजी है गाड़ी, तो आपको जो करना है आप करिए। और दोस्तों जब चिक है इसके अंदर मतलब प्ले है उधर भी और इधर भी, और इसी चीज़ के लिए मतलब इसको फ्रंट एक्सल खोल रहे हैं, और जो दाब देनी पड़ेगी मतलब एक्सल पर वो भी देंगे, लेकिन वो देंगे सिर्फ, ये 6 चक्की गाड़ी है तो सिर्फ 8-10 टन तक के हिसाब से हल्की दाब देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन्होंने चलना है 8-10 टन में ही। और जब बंदा इतनी मतलब उसके साथ भेजते हैं ना बंदा इतनी दूर से गाड़ी, स्पेशल कंपनी में इन्होंने काम नहीं करवाया और हमारी इन्होंने वीडियो देखी तो हमारे पास भेजी है गाड़ी, तो देखो जब इतने विश्वास के साथ बंदा, तो हमारा भी डबल विश्वास के साथ काम करके देने का बैठता ही है, चाहे ये हैं चाहे कोई भी हो, चाहे नहीं भी कहते अगर हमें, तो भी हम इनको उस हिसाब के साथ काम करके देते। और स्टार्ट कर दिया काम, और जैसा भी आगे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि एक एक चीज़ अब चेक होकर बिल्कुल तसल्ली के साथ इसमें गाड़ी में हम लगाएंगे। ग्रीस तो हुई भी है ना, बट ठीक है। अब दोस्तों जो इनको कंपनी ने बताया था कि ड्रम इसका मतलब आउट है, और आइए ड्रम भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए। तो ड्रम में तो दोस्तों देखिए कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है, ड्रम बिल्कुल सेट है अपनी जगह। अगर ड्रम में होता ना बैजा या कोई फेस में फ़र्क होता तो ये ऊपर नीचे डबक मारता, तो ड्रम तो है बिल्कुल सही। रिम में डिफ़ॉल्ट है, रिम हमने चेंज करवा दिया, वो स्टपनी में कर दिया, स्टपनी वाला यहाँ पर लिया। और टायर भाई को मैं बताऊँगा कौन सा कहाँ पर लगाना, तो ये तो चीज़ बिल्कुल सही है, इसमें डिफ़ॉल्ट बताया था कंपनी ने इनको, ड्राइवर साहब को। लेकिन चलो
वो सही है, मतलब ड्रम में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो स्टेपनी नहीं आ रही है ना, ये कनेक्टर साइड होगा क्योंकि इसमें खड्डे हैं ना, ये है ड्राइवर साइड का। हाँ बट ठीक है, ऐसा करेंगे, चलिए इसे मैं बताता हूँ। वो कौन सा ड्राइवर साइड का रिम, वो वाला, इसको और ये खड्डे वाले को इसमें बना, और ये तो बना ही दे बस तू, इसको इस टपनी में जाएगा। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखना है तुम्हें, ठीक है नहीं, इसे यूज़ नहीं करना, ठीक है नहीं, क्योंकि ये रिम में भी फॉल्ट है और ये इसमें भी गड्ढे हैं। इमरजेंसी के लिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर नहीं। और ये दोनों रिम को फेस कराओगे और एक में बना दिए वो, एक में कर दिए, ठीक है नहीं, बस ठीक है। अब दोस्तों ये कंपनी में गाड़ी लेकर गए थे तो वहाँ पर इनको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, और ये बड़ा परेशान होकर इनके मालिक ने मेरे से बात की। 10-15 दिन से मुझे कॉल कर रहे थे तो मैंने इनको आज का टाइम दिया, और ये गाड़ी देख लो 1200-1300 किलोमीटर से चलकर हमारे मुजफ्फरनगर आई है स्पेशल। और ये बॉडी वगैरह भी बड़ी अजीब तरीके की है, क्योंकि उधर की साइड ऐसी ही बॉडियाँ चलती हैं, और इसका करेंगे काम। और ये देखिए दोस्तों जो रिम में, एक मिनट, ये गड्ढे वाला रिम है, गड्ढे वाला है। अच्छा जो साफ है वो वहीं पड़ा है। हाँ, ठीक है ठीक है। ये गड्ढे वाला जो रिम था और जो ड्राइवर साइड का रिम खराब था और टायर, ये एक जगह करवा के स्टेपनी में करा दिया। ये नया रिम लगवाएंगे कनेक्टर साइड और दूसरा रहेगा इधर, लेकिन वो कैसे लगेगा मैं बताऊंगा ड्राइवर साहब को बाद में। A few moments later. और दोस्तों इसका एक्सल हमने खोल लिया है, और कमानियों में जो है मतलब 50-50% चाल है, तो मुझे ये लग रहा है कि बुश तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वाचलों की चाल है। और दोस्तों अगर बुशों की चाल होती तो कमानी में भी बहुत ज़्यादा चाल होती, प्ले होती, तो थोड़ी थोड़ी चाल है, ये कर देंगे दूर, और ये काम करेंगे बिल्कुल बाद में। इसका एक्सल हमने खोल लिया है और इसको करेंगे प्रेस, और आपको भी दिखाते हैं इसकी जो स्पैंडल हैं इनको भी निकालेंगे। अब दोस्तों गाड़ी ने चलना है सिर्फ 5 से 10 टन, कहीं कई बार 7 टन, 8 टन या 10 टन मैक्सिमम ड्राइवर साहब ने बताया, इनके मालिक साहब ने, मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने कहा 10 टन। अब दोस्तों इतनी दूर से गाड़ी आई है, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर फेंक दी कि सर जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, क्योंकि कंपनी से तो हम तंग आ चुके हैं, ठीक है ना। अब जो इतनी बात उन्होंने, इतनी बड़ी बात बोल दी, तो हमारा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है कि गाड़ी को बिल्कुल सेट करके देना, और बाद में बिल्कुल वीडियो के एंड में आप देखेंगे ड्राइवर साहब के साथ जाएंगे, ट्राई भी लेंगे गाड़ी की। और जो गाड़ी में मेन मकसद लेकर आए थे, ये जो परेशानी लेकर आए थे ड्राइवर साहब हमारे पास, गाड़ी कूदने की, भाई आगे जब गाड़ी हम चलाते हैं तो बैठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गाड़ी कूदती है। और ड्राइवर साइड का टायर थोड़ा सा अंदर से दिक्कत थी, और प्ले भी थी स्पैंडलों में, लेदरों की दिक्कत थी, और ड्रम टर्न की दिक्कत थी, लाइनमेंट की दिक्कत थी, और जो ये इनको कंपनी वालों ने बताया था कि ड्रम में दिक्कत है, तो दोस्तों उस ड्रम में कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखा वीडियो में ड्रम बिल्कुल ओके है। और कई भाई, ये जो ड्रम की वीडियो थी मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी छोटी सी रील, तो वहाँ मेरे भाई कह रहे कि यहाँ से ड्रम नहीं नापा जाता, जो हम बाहर मार्किंग लगाकर उसको गोल घुमाकर देख रहे थे ना, तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ भैया ये काम जिसको पता है ना वो ही करता है, आपने सिर्फ लेथ मशीन पर, खराद मशीन पर टूल लगाने के लिए अंदर से मार्किंग लगाकर देखा होगा बहुत बार, ठीक है ना, ये बाहर से मार्किंग लगाने का आपने पहली बार देखा होगा। ये हमारे फादर साहब के तजुर्बे हैं जो हम अपने साथ लेते हैं और हम दूसरों को बताते हैं, ठीक है ना। मैं इसको खोलूँगा नहीं बात को, हमें वो चीज़ ओके लगी, और बाद में ड्राइवर साहब की आप देखना वीडियो के एंड में, जो हम ड्राइवर साहब के साथ ट्राई लेंगे, उनकी है सबसे मेन चीज़। पूरा काम करने के बाद ड्राइवर साहब अगर खुश है ना तो सारा काम करने का, चाहे मैं करूं या ना करूं, ड्राइवर साहब अगर खुश है ना तो सारा काम वहीं पर हमारा फिट हो जाता है। अगर ड्राइवर साहब खुश नहीं है कि काम में ये दिक्कत है सर और ये अभी भी परेशानी है, तो हमारा काम दोबारा करने को हम सोचेंगे, लेकिन ऐसी कभी ऊपर वाले की दुआ से कभी कोई ऐसी नौबत आएगी नहीं, और ना आई कभी। दोस्तों कईयों ने तो मतलब हथौड़ा भी 1-2 साल से उठाना सीखा होगा, और वो हमें मतलब बताते हैं कि ऐसा नहीं और ऐसा करो, ऐसा नहीं है ऐसा करो, ठीक है ना। तो भैया हमें बताने की बजाय आप अपनी तरफ देखिए, जो आप काम कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे जो काम करते हैं ना उनके बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने क्या करना है, आपने पता है आप जो मर्जी करिए, लेकिन हमें जो करना है वो हमने ही करना है। अब गाड़ियां हमारे से इतनी दूर दूर से आती हैं तो किसी चीज़ की वजह से ही आती होंगी, कि काम करके देना है तसल्ली के साथ, ये नहीं है कि बस हाँ भाई चीज़ खोल ली और उसको बांध दिया फिट कर दिया वैसे ही। और सबसे मेन चीज़ इनको टायर बताएंगे, टायर भी बहुत गलत लगा रखे थे दोस्तों इन्होंने, और वो स्टेपनी वाला मैंने आगे करवाया,
करवाने को मैं ड्राइवर साइड भी करवा सकता था, लेकिन नहीं, इसके पीछे भी कोई रीज़न है, क्योंकि मैंने वो टायर कंडक्टर साइड कराया है और जो इनका थोड़ा आधा टायर था, एक तो मैंने जो बिल्कुल खड्डों वाला टायर था वो तो करवा दिया मैंने स्टेपनी में, रिमों में भी थोड़ा सी दिक्कत थी, एक रिम में और एक टायर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसको स्टेपनी में करवाया। और अब आप कहोगे नया टायर ड्राइवर साइड क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे भी दोस्तों कोई रीज़न था, मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, बहुत सारे ऐसे आदमी हमारे खड़े हो जाएंगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, सवाल ऐसे करेंगे कि नहीं सर आप यहाँ पे लगाना था टायर, तो भैया उसके पीछे भी रीज़न था जो मुझे और मेरे फादर साहब को पता है, वो सिर्फ मैंने कंडक्टर साइड ही लगवाना था, नया टायर जो स्टेपनी में निकला इनका वो कंडक्टर साइड लगाएंगे और जो चला हुआ टायर था वो ड्राइवर साइड ही लगाएंगे। और ये गाड़ी एक महीने बाद मैंने ड्राइवर साहब को बता दिया, एक महीने बाद मेरे पास चेक करने के लिए आएगी, और जब भी आएगी एक महीने डेढ़ महीने अगर कोई परेशानी होगी तो दोस्तों ड्राइवर साहब ये आएंगे मेरे पास 101%, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी ना तो गाड़ी वाला आएगा ही नहीं हमारे पास, ये भी चीज़ है, ये ध्यान रखना आप। और दोस्तों ये देखिए जब गाड़ी का काम खुलता है तो सारा काम निकलता ही है, ये देखिए बिल्कुल लेदर, इसके 2-4 महीने मुश्किल ही चलेंगे और बिल्कुल ख़त्म है, और ये भी मतलब पूरा जोड़ा और परली साइड भी, एक सेकंड। तो देखिए दोस्तों ये भी बिल्कुल एंड पर ही है काम, बिल्कुल सही टाइम पर ये एक्सल खुल गया, नहीं तो ये ऐसे ही चलते रहते, ड्रमों पर भी निशान आता, और इसको भी लगाएंगे और ड्रम का भी करेंगे फेस। दोस्तों ड्राइवरों को सबसे सुकून की बात यही लगती है कि हमारी वर्कशॉप में सारा काम यहीं हो जाता है। हमारे पास कल गाड़ी आई थी उसकी भी वीडियो मैंने डाली है इसमें, और वो ड्राइवर साहब का कहना है कि हमें कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैकेनिक देखे हैं कि यहाँ ले आओ ड्राइवर साहब को उधर भेज दिया, कोई कुछ खोल रहा है कोई कुछ, तो हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप भी जो हमें प्यार देते हैं ना, जो कमेंट करते हैं बढ़िया बढ़िया, उनको पता ही है हमारी वीडियो हम किस तरह काम करते हैं और हमारे काम करने का तरीका कैसा है, ठीक है ना। और चलो खैर कोई बात नहीं, इसके स्पैंडल हमने निकाल लिए हैं दोस्तों, और दोस्तों जो इसके बैरिंग थे हमने वो ही ठोक दिए हैं, क्योंकि गाड़ी में कोई बबलिंग की दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे कूदती है गाड़ी, और कोई बबलिंग की दिक्कत नहीं, गाड़ी बिल्कुल सेट चलती है, और बैरिंग इसके ओरिजिनल है वो ही लगाएंगे, बढ़िया है बैरिंग। अब दोस्तों सारा काम में तभी मज़ा आता है जब हमारे हाथ से सारा काम निकले। अब यहाँ पर ये बैरिंग चेक करा मैंने दोबारा, थोड़ा सा डाउट था लेकिन बैरिंग बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि बस एक बार खोल दिया आपसे बात करी और बस हम बैठे हैं कुर्सी के ऊपर और काम हो रहा है, वो काम जब तक मज़ा नहीं आता जब तक मेरे फादर साहब या मेरे हाथों में से काम ना निकले। क्योंकि दोस्तों जब विश्वास बनाना होता है ना, बड़ी मुश्किल से विश्वास बनता है, वो भी लोगों के बीच में, और ये नहीं है कि विश्वास तोड़ने को 1 मिनट लगता है 1 सेकंड लगता है, तोड़ दो विश्वास, और वो कैसे टूटता है विश्वास, जब हम काम गलत करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं हो, देखो ऊपर वाले का हाथ चाहिए, विश्वास तो ऑटोमेटिक बनता चला जाता है, उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है जो हमारे ऊपर है भगवान हमारा, ठीक है ना, आप सबके साथ भी भगवान है, बस आप अपने कर्म करते चलिए अच्छे और सारे काम अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों स्पैंडल में कोई चाल नहीं रखनी, नॉर्मल रखेंगे। ये देखिए दोस्तों रिमो में मैंने फेस किए हैं और मैं थोड़ा काम से बाहर चला गया, देखिए कितना फ़र्क था, इधर डबल टूल लगा और इधर डबल टूल लगने के बाद भी पूरा फेस नहीं बैठा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, और अंदर से भी फेस कर दिया, रिम में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और कंपनी वाले जो इन्हें कह रहे थे ड्रम का फ़र्क है, ड्रमों में कोई फ़र्क नहीं है, ड्रम बिल्कुल ओके हैं दोनों, मैंने चेक कर लिए हैं, खाम खां बिना मतलब ड्राइवर को और मालिक को परेशान करने वाली बात है, और रिम करवा दी है, टायर जैसे लगवाने थे मैंने करवा दिए हैं, ये करेंगे ड्राइवर साइड में, और कंडक्टर साइड का टायर आ रहा है और बस वो भाई लेकर आ रहा है, अभी देखते हैं वो रहा भाई लेकर आ रहा है, ले आओ ले आओ।
और दोस्तों फ्रंट एक्सल आपने देखा हमने फिट कर दिया है, बस इसमें अब हब वगैरह फिट होंगे और लेदर पैदर लगाएंगे, ड्रम टर्न होंगे, कमानी के पिन पुश रह रहे हैं वो करेंगे, लंच टाइम हो गया उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तुम कह रहे थे ना क्या सही? हाँ नहीं ठीक है, ये तुम्हारे वहाँ मुंबई में नहीं करता कोई मैकेनिक है नहीं वहाँ पर है? मतलब कैसे काम पसंद नहीं है वहाँ पे? हाँ नहीं नहीं देखो अपने मुंह से क्या, लेकिन हम जो गाड़ी आती है ना हम उसे तसल्ली कर देते हैं, लेकिन यार जब भी आपको टाइम मिले ना इधर आने का तो मेरे पास गाड़ी एक बार चेक करवा जाना, क्योंकि जो जो इसमें चीज़ों में चाल थी ना कमानी में और ये इसमें स्पैंडलों में, अब बिल्कुल हमने फिक्स ऐसी कर दी जैसे गाड़ी नई होती है बिल्कुल, ठीक है ना? और जो इसमें दाब लगनी थी वो भी हमने लगा दी है, रिम हमने चेंज करवा दी है वो गड्ढे वाला और वो, ठीक है ना? अब ड्राइवर साइड वो करेंगे नया रिम, उसे करेंगे ड्राइवर साइड में कनेक्टर साइड करेंगे नया रिम टायर। चलो लंच कर लिया आपने? चलो मैं मिलता हूँ आपसे लंच के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और देखिए दोस्तों लंच के बाद आया हूँ और लेदर भी लगा दिए हैं, फिटिंग भी हो चुका है बिल्कुल एक्सल, और कमानी में थोड़ी जो पिन पुश की दिक्कत थी, वाजलों की चाल थी, वो प्ले भी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो हर चीज़ की जितनी भी दिक्कत थी सारी प्ले बिल्कुल हमने ख़त्म कर दी है, चाहे किसी भी चीज़ में थी। और देखिए लेदर लगाने का तभी फ़ायदा है अगर हम ड्रम भी टर्न करेंगे, और इस ड्रम में इनको फ़र्क बताया था ड्राइवर साइड में, जो ड्रम बिल्कुल ओके हैं इनके, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रिमो में थोड़ा बहुत फ़र्क था वो भी दूर कर दिया है, डबल डबल टूल लगा उन पर और सारा काम रेडी है, बस अब थोड़ा और एक आधे घंटे का काम है और फिर ड्राइवर साहब के साथ चलते हैं हम ट्राई लेने के लिए। और दोस्तों बस अब ये कमानी में एक आधी पिन की दिक्कत है, बस ये ठोक दी है और ये भी कार्टर खींच रहे हैं और गाड़ी है बिल्कुल कंप्लीट। अब तो दोस्तों गाड़ी हो गई है कंप्लीट और टायर मैंने जैसे लगवाने थे लगवा दिए, इधर नया टायर है और रिम वगैरह भी चेक कर दिए और इधर भी काम कंप्लीट है, रिम चेक कर दिए और टायर जैसे लगाना था बिल्कुल। चलो 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 चलो, तो दोस्तों गाड़ी चेक करने के लिए आए हैं, मतलब इसमें खड्डे पता टायरों में कब आते हैं, जब जब टायर हल्का हो जाता है और टायर पंचर चल जाए या डाउन चल जाए, अच्छा। हवा कम तब आते हैं रेडियल टायर में खड्डे। हाँ और उसी की वजह वो गड्ढे ऐसे ऐसे करते हैं तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे ऐसी होती है। गाड़ी कूद रहा था बिल्कुल। अब देखो फर्क पड़ा होगा थोड़ा बहुत, फर्क पड़ा है भाई। फर्क और आगे चलो। हाँ आगे पुल के नीचे से घुमाना गाड़ी, पहले कैसे थी? पहले बहुत गड़बड़ था एकदम, गाड़ी इसमें भटकता था। हाँ ऐसा भटकता था जैसे लग रहा है कि मतलब कुछ फंस गया है टायर में। अब कैसे है अभी? एकदम सॉफ्ट बिल्कुल ओके, एकदम सॉफ्ट 19-20 तो देखो गड्ढे ऐसे माड़ा मोटा प्ले हल्का ऊपर नीचे, लेकिन गाड़ी तुम्हारी बिल्कुल ओके चल रही है इस टाइम। नहीं गाड़ी एकदम अच्छा चल रहा है और पहले से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। पहले ऐसे ऐसे करती होगी ऊपर नीचे तो फटकता था वर्किंग क्लास भी, इसको नहीं था बराबर। चलो अच्छी बात है, यही चीज चाहिए, ड्राइवर अगर बंदा खुश है ना बात खत्म, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका जो काम करने का तरीका था बहुत अच्छा था, सबसे अलग था थोड़ा। नीचे से ले लेना पूरी अलग अलग कैसे दिखा, मतलब अलग मतलब आपका जैसे कुछ भी लाने मिलाना है कुछ भी करना है उसको आप मतलब जैसे एक मीटर होता है। हाँ हर एक गेज बना हुआ है, हर चीज का गेज है, उसके हिसाब से आपने नाप नाप आपने फर्क निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज होती है बिल्कुल। नहीं नहीं चलो अच्छी बात, चलो गाड़ी सही होनी चाहिए यार और कुछ नहीं। तो दोस्तों गाड़ी से ड्राइवर साहब बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल गाड़ी ओके हो चुकी है जो हमने काम करके दिया, और बल्कि इनको ले लैंड वाले ये कह रहे थे जब ये कंपनी में, अच्छा कंपनी में ले गए वो बता रहे थे कि ड्रम आउट है। ड्रम का फर्क नहीं था, सारी चीज़ें मिक्स थी, अच्छा। बहुत चीज़ें हो रही थी, एक्सल हो गया, रिम हो गया, लेकिन करेगा तो वही ना जिसको इसकी नॉलेज होगी। सही बात है, नहीं ऐसे तो कोई भी कुछ कह देगा। चलो खैर कोई बात नहीं, काम अपना होना चाहिए, काम हो गया अपना सर। वो मुझे बोले ड्रम चेंज कर लो, अच्छा टायर भी चेंज कर लो, अच्छा दोनों को हमें चेंज करने के, अच्छा। तो मुझे उनके ऊपर थोड़ा डाउट हुआ कि इनको लगता है अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं अपने सेठ को फोन किया। तो सेठ जी ने मुझे बोला ठीक है मैं देखता हूँ, अच्छा। फिर आपका उन्होंने यूट्यूब से नंबर निकाला, वीडियो देखी, वीडियो देखा उन्होंने, आपका नंबर निकाला,
इसके लोकेशन से मैं यहाँ पे दिल्ली से 120 किलोमीटर हाँ इतना ही है, 125 किलोमीटर है दिल्ली। नहीं नहीं ठीक है। तो दोस्तों स्पेशल ये दिल्ली से आए हैं गाड़ी लेकर, मतलब ये बड़ी दिक्कत पर प्रॉब्लम वाली, मतलब कंपनी में भी ये सेटिंग नहीं हो पाती। मुझे ये बड़ा सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि कंपनी में लोग सेटिंग नहीं करते, बस चक्कर पे चक्कर लाइन कर दी, ये कर दिया। लेकिन चलो खैर किसी को क्या कहना, लेकिन अपना काम हमने सेट कर दिया, गाड़ी बिल्कुल ओके है जैसा इनको चाहिए थी ड्राइवर साहब को। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी टाइम टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।